हाँ तो बच्चों देखिए, आपने ये जो ड्राइंग बनी है इस शीट के ऊपर हमें हल्का सा बड़े ब्रश के संग वाटर वॉश लगाना है। समझ के पानी हल्का सा लगा लेते हैं। इसको लगाने से ये फायदा होता है कि कलर अपने आप ही स्प्रेड होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। बड़ी सावधानी के साथ आप इसको लगाएंगे। अब हम स्काई के लिए ये मैंने ब्लू कलर लिया है। स्काई जब हम ऊपर से शुरू करते हैं तो हमेशा डार्क होता है, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ऑटोमेटिकली आप इसको पानी पानी के साथ और खींचते हुए कलर को ये अपने आप लाइट ब्लू होता जाएगा। लेकिन स्काई में आपने देखा होगा खाली ब्लू कलर ही नहीं, ब्लू के संग हम देखो कहीं येलो दिखता है, कहीं धूप चमक के साथ अलग रंग दिखता है। तो आप ब्लू कलर को विद अदर कलर्स, आप इसमें थोड़ा सा रेडिश भी ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं होगा। नेचर में तरह तरह के रंग आपको स्काई में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम ये वाटर वॉश लगाते हुए, बहुत ही वाटर कलर जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें हम वाइट कलर को नहीं यूज़ करते। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और हम ये हल्का रंग नीचे तक ले आए हैं। अब उसके बाद हम ड्राइंग्स को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे बारीक ब्रश लेकर। ये छत से हमने अब ये भाग है छत का, यहाँ पे टीन शेड है और दूर भी है, लेकिन इसके ठीक नीचे थोड़ी छाया होगी तभी ये लाइट एंड शेड को दिखाएगा। ये भाग हमने लाइट रखा है, ये डार्क रखा है। सन डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर से है, इसलिए आप देखेंगे ये पॉइंट हमारे लाइट हैं। और इसी तरह से पेड़ों में भी, जो पेड़ हमें बहुत नज़दीक दिखते हैं वो हम डार्क रखते हैं, और जितना हम पीछे के पेड़ हैं जितना हम पीछे डालेंगे। ये देखिए हम कलर में ले रही हूँ। अब कलर ग्रेडिंग जो है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा इससे लाइट जाएगा, इसको मैं लाइट में कन्वर्ट कर दूंगी, और उससे पीछे वाला और लाइट जाएगा। जितना हम दूर जाते हैं कलर हमें धुंधले और लाइट होते जाने चाहिए। अब ये जो वृक्ष हैं ये दूर डिस्टेंस का है, तो नेचुरली इसको हमें दूर का है ये पतला सा बनेगा। नेचर में आप देखते हैं कहीं कहीं पे सूखे वृक्ष भी होते हैं, सब में पत्ते नहीं होते, और जो ग्रीन होते हैं उसको भी हम बहुत डिटेल नहीं बनाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे ही आपको ट्री का मैंने पहले भी डेमो दिया था, इसी तरह से हम बनाते हैं। कहीं डार्क कहीं लाइट लगाकर फिर पानी से रंग को खींचा जाता है। हाँ देखिए, इस तरह से हम इसको धीरे धीरे ग्रेड वाइज कलर ग्रेडिंग करते हुए इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले भी वाटर कलर के आपने डेमो मेरे देखे थे, इसी तरह से अब जो दूर का पेड़ है वो थोड़ा धुंधला होगा, और इससे दूर जाएंगे डिस्टेंस में और अगर हम बनाएंगे तो यहाँ और भी उससे भी कलर इसका हल्का होता जाएगा। जितना मिस्ट में जाएंगे रंग जो है हमारा धुंधला धुंधला होता जाएगा, और जितना हम पास में आएंगे, अब जैसे सपोज करिए एक में ये कलर ले रही हूँ, ये हमारे आंखों के बिल्कुल आगे आ रहा है, इसमें ग्रीन मिलाया ब्राउन मिलाया थोड़ा सा, आपने येलो भी डाल सकती हैं। और अब हम जैसे एक ये पेड़ है जो हमारे बिल्कुल सामने पड़ रहा है और इसमें पत्तियाँ नहीं हैं, नेचर में हर तरह के वृक्ष होते हैं, तो जो पत्तियों के बिना वाला है इसको हम डार्क दिखा सकते हैं। इसी से डिस्टेंस का आपको पता चलता है दूर और पास का। अब इसकी टहनियाँ हैं, आप भी डायरेक्ट जैसे मैं निकाल रही हूँ आप भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें क्या है आप बार बार रबिंग नहीं करेंगे, और पेंसिल का इसीलिए हमने बहुत हल्का प्रयोग किया है ताकि आपका
पेंसिल का कोई कलरिंग के बाद मार्क नहीं आना चाहिए। अब ये जो मैंने कलर लगाया इसको जल्दी ही मर्ज करना है इस तरह से। और वृक्ष में भी हम एक साइड, आपको हमेशा बताया, एक साइड हम ट्री का डार्क रखेंगे, ये ऐसे देखिए, और इधर वाला भाग आपका लाइट हो गया। और यही सेम रूल आप ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे स्टेम्स की तरफ, वहाँ भी आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए, अब ऊपर जो शाखाएं जाएंगी वो धीरे धीरे पतली होती जाएंगी। आप पेड़ों में देखना ध्यान से, जितना हम ऊपर जाते हैं ये टहनियाँ हमारी बारीक होती जाती हैं, और जितना हम नीचे आएंगे टहनियाँ हमारी मोटी होती जाती हैं इस तरह से। हाँ, इस तरह से देखिए ये लैंडस्केप हमारा पूरा हो गया है ऑलमोस्ट। इधर मैंने दो ह्यूमन फिगर भी डाली हैं, आप अगर पास से देखेंगे तो आपको ये विजिबल होगा, जैसे एक बच्चा है, मदर है, ये कुछ भी हो सकता है। नेचर में ह्यूमन फिगर का होने से उसमें एक लाइफ आती है और एक जीवंत चित्र बनता है। लाइफ जिसमें फुल ऑफ लाइफ होनी चाहिए। घर है, दूर का घर छोटा, पास का बड़ा। और जैसे घर के आसपास हम बाहर कपड़े सुखाते हैं, आप देख रहे होंगे, इसमें आपको पूरा एहसास होगा। और कपड़े हवा में थोड़े उड़ते हुए हैं, ये एक डायरेक्शन ऑफ हवा का जो डायरेक्शन है उसको दिखाते हैं। और ये जो हाईलाइट किया है मैंने लेमन येलो से, ये धूप का इफ़ेक्ट को दिखाता है कि ये जितना भी ये हाईलाइटेड पार्ट है इसका मतलब है धूप निकली हुई है। अब घर में यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है आपको, इधर ये दूर का घर है इसको थोड़ा डल रखेंगे, इधर वाले में भी आपको कहीं धूप छाया थोड़ी दिख रही है, लेकिन ये वाला भाग थोड़ा सा हमारा ज़्यादा ब्राइट है, ये थोड़ा डल है। तो इसी तरह से